कुमाऊं में हो रही बारिश की वजह से रुद्रपुर की इंडियन गैस एजेंसी के गोदाम में कर्मचारियों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। उधम सिंह नगर के जिला अस्पताल में कर्मचारियों की अनुपस्थिति के चलते मरीजों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। कुमाऊं में रुक रुक कर हो रही बारिश से रुद्रपुर की इंडियन गैस एजेंसी के गोदाम में पानी भर जाने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन गैस कार्यालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि उनको गैस के सिलेंडर गोदाम से लाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि घुटनों तक पानी आ जाता है, पर इस समस्या का समाधान कोई भी अधिकारी नहीं कर रहा है। वहीं रुद्रपुर इंडियन गैस एजेंसी के मैनेजर दया सागर आर्य ने बताया कि पानी की निकासी की समस्या कई वर्षों से यहां चली आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई बार आला अधिकारी यहां आकर मुआयना करने आए, पर अभी तक पानी की निकासी की समस्या जस के तस ही बनी है। वहीं इंडियन गैस एजेंसी में कार्य कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि पानी के बीच से गैस को निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और गंदे पानी की वजह से बीमारी होने की भी आशंका बनी है। भाई साहब टांगों तक पानी, कमर तक पानी आ जाता है और बड़ी परेशानी पड़ता है, क्या किया जाए। पैर सड़ जाते हैं जी, मतीपुर देवी। हाँ, पैर सड़ जाते हैं, पानी की कोई सुनवाई नहीं यहाँ पे, कोई कुछ नहीं होता है। सिलेंडर खींचते हैं, रिक्शे से खींचते हैं, फिर भी नहीं खींच रहा है, बहुत समस्या हो रहा है। हर साल क्या होता है, पानी भर जाता है बरसात हुए टाइम में, और उसके बाद हम लोग शिकायत करते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। यहाँ पैर इतने सड़ते कुछ कहने का हिसाब नहीं, और भरी गाड़ी को हम लोग सिलेंडर अंदर भी करते हैं और खाली को बाहर करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सारे रोड का पानी हमारे गैस दाम की ओर धाम आता है, आगे गावा चौक पर इसकी निकासी नहीं होने पर सारा पानी बैक होकर फिर गैस दाम की ओर आता है। सामने दूध डेयरी के पास पहले पूर्व में निकासी थी, मगर वहाँ से रास्ता बंद होने के कारण पानी हमेशा भर जाता है। गैस गोदाम से सिलेंडर निकालने में काफ़ी दिक्कत आती है और कर्मचारी काम करने में से मनाही करते हैं। बीच में डीएम साहब ने दौरा किया था जिसके कारण कुछ नालों की सफाई की गई, मगर नाले फिर चौक हो चुके हैं, क्योंकि गावा चौक में हमेशा कई वर्षों से लगभग 30-35 साल से कोई स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड में प्रदेश सरकार सूबे की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के बड़े बड़े दावे और वादे कर रही है, लेकिन इसकी हकीकत का अंदाजा उधम सिंह नगर के जिला अस्पताल को देखकर लगाया जा सकता है। उधम सिंह नगर जिले के मुख्यालय रुद्रपुर स्थित अस्पताल में फिजिशियन की कमी पहले से थी और अब जनपद से NHM द्वारा संचालित 3 अर्बन हेल्थ सेंटरों को विगत 2 माह से बंद कर दिया है, जिसमें कार्यरत 16 ANM अवकाश पर चली गई है। इससे जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को घंटों लंबी लाइनों में खड़े रहकर टीकाकरण कराना पड़ रहा है। अर्बन हेल्थ सेंटरों के बंद होने के बाद जिला अस्पताल पर काम। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर स्थित डॉक्टर की कमी जो है जिला अस्पताल में काफ़ी है, उसके बाद भी जो है मरीजों की काफ़ी यहाँ लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं। जो डॉक्टर हैं उन्हीं को जो है वो मरीजों का इलाज करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में जिला अस्पताल की जो ANM है इस समय मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके के पेशेंट इनके पास काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। आप जानेंगे किस तरीके के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, उसके किस तरीके का इलाज करते हैं। आज तो ANC डे है, तो टीकाकरण वाले मरीज आ रहे हैं, गर्भवती महिलाएँ आ रही हैं। ये जिला अस्पताल का मुख्यालय का केंद्र है, यहाँ अक्सर भीड़ रहती है। आजकल हमारे यहाँ 3 अर्बन हेल्थ सेंटर जो NHM से संचालित होते थे वो बंद चल रहे हैं, उसकी वजह से वो 15 ANM जो है छुट्टी पे हैं, उनका अतिरिक्त लोड भी यहाँ पे मेरे पास ही है, इसलिए भीड़ ज़्यादा है। 15 ANM का चार्ज है आपके पास में, कैसे जो है हैंडल करते हैं लोग? 15 ANM का, 16 ANM का दायित्व प्लस 1 LHB का दायित्व भी है, कर रहे हैं वापस तो किसी को नहीं कर रहे, लेकिन परेशानी होती है इतनी लंबी लाइन में मरीज, जब गर्भवती महिलाएं खड़ी हैं, धूप भी है, किसी को चक्कर भी आ रहा है, इसमें परेशानी होती है। सुबह से ये लोग खड़े हैं, अब अकेले तो लिखना लगाना काफ़ी समस्या होती है उसमें। ऊपर JLN की तरफ से मैडम आई थी, उन्होंने एक स्टाफ नर्स को यहाँ बैठा रखा, वो टीकाकरण में थोड़ा सहयोग कर रही हैं। इतनी लंबी लंबी लाइन लगी पड़ी है, कब तक, कितने आखिर कितने समय तक ओवर भी बैठना पड़ रहा होगा आपको, एक्स्ट्रा जो है ड्यूटी करनी पड़ रही है, कितने देर तक बैठ रहे हैं?
दो बजे ढाई तीन जब तक हमारे सारे जितनी भी गर्भवती महिलाएं उनका टीकाकरण हो नहीं जाता तब तक हम बैठते हैं, चार भी बज जाता है, काम तो करना है, इन्हें वापस तो नहीं करना है। ये थी एनएम जिला अस्पताल रुद्रपुर की, जिनका कहना है कि डॉक्टर की ऑलरेडी यहाँ जो है पहले से ही कमी है, उसके बाद भी जो है 16 एनएम छुट्टी पर है, उनका चार्ज भी अकेली एनएम दीपा जोशी संभाल रही है, उसके बाद भी जो है पेशेंटों को वापस नहीं लौटने दिया जा रहा, उनका इलाज पूरी तरीके से किया जा रहा है। विकास कुमार, टीवी 7 रुद्रपुर।